लो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज है शनिवार और आज हनुमान दादा का दिन है और अभी शाम का 7 बजने वाला है और हमने हनुमान दादा के लिए एक हनुमान दादा जी के लिए एक प्रसाद बनाने वाला है। शनिवार है इसलिए हमने सोचा चलो आज प्रसाद बनाते हैं। और मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, रूड़ा दादा का मंदिर है यहाँ पे और बहुत अच्छा पेड़ पेड़ सब लगाया हुआ है। और अभी हम गए थे यहाँ से गांव में और गांव से सब्जी सब ले के आए हैं और अभी सब बनाएंगे। और ये सब्जी है और ये यहाँ का कुछ नज़ारा है, बहुत अच्छा व्यू है। और शाम का टाइम है, अभी सूरज ढलने वाला है और आज बनाएंगे खरी बात। और यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है आप देख सकते हो। और अभी शाम का टाइम हो रहा है तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है और आप भी दर्शन कर लो। ये हमारा रूड़ा दादा का मंदिर है। जय रूड़ा दादा। ये इधर का साइड का व्यू है, ये सब गांव है इधर। और सूरज का व्यू कितना अच्छा आ रहा है और यहाँ पे हमने पेड़ भी लगाए हुए पीपल का, ये देख सकते हो। एक इधर है, एक वो पीछे है और दो इधर है। और अभी विकास तो काफ़ी सारा करने का बाकी है, थोड़ा बहुत हुआ है और आगे भी लगाए हैं। और ये हमारे हनुमान बजरंगबली दादा का मंदिर है और हमारा सामने गांव है चांदरोड़ा, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, आपको पूरा दिखाएंगे कैसे कैसे हम सब्जी बनाते हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सब आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपना साथ सपोर्ट मेरे को जरूर दिखाना। तो चलो मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अपना तेल और सब्जी बनाने के लिए सब भी रेडी है और प्याज बटेटा सब मिर्च टमाटर सब भी रेडी हो गया बनाने के लिए। और फाइनली तेल को भी उबालने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दिया है और आप देख सकते हो ये लिमड़ा है हरे पत्ते वाला और बाकी ये सब इकट्ठा कर लिया है। जैसे ही तेल गर्म होगा पहले इसको टेस्टिंग के लिए धनिया डालेंगे थोड़ा। जब धनिया उठने लगेगा ऊपर की तरफ तब हम इसके अंदर सब मसाला ऐड कर देंगे, पहले धनिया। और धनिया को बाद में वो सब उसका गरम मसाला है वो डाल देंगे और उसको थोड़ा घुमा के और थोड़ी देर गरम होने देंगे और बाद में लहसुन डाल देंगे और लहसुन को थोड़ा घुमाएंगे। अब देख सकते हो अच्छी तरह से तेल गरम हो गया है और थोड़ा बहुत अंदर से सुगंध भी आता है, तो घुमाना भी ज़रूरी है आप देख सकते हो। और नीचे से गरम भी ज़्यादा हो गया है और अभी हमने हरा लिमड़ा डाल दिया है, ये स्वाद के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और हमारे गुजरात में इसको यूज़ करते हैं डालने के लिए। और अभी ये गर्म होने के बाद प्याज को डालेंगे, तब तक ये आटा को गूँथ लेंगे और अभी इसको थोड़ा घुमाएंगे, अच्छी तरह से पक जाएगा, लिमड़ा तेल में मिक्स हो जाएगा यानी कि ऑयल में मिक्स हो जाएगा। और थोड़ा ऐसे ही घुमाते रहेंगे, अभी प्याज डालेंगे। तो अभी आ गया प्याज और 1.5-2 केजी जैसा प्याज है, ये भी पहले इसमें डाल देंगे
फिर इसको अच्छी तरह से घुमाना पड़ेगा ताकि एक जगह बैठ ना जाए, और नीचे से चल रहा है अच्छे से तो जल्दी पक जाएगा। फिर भी 5-10 मिनट जैसा तो इसको लग जाता है पकने में, और जैसे ही ये अच्छी तरह से पकेगा तो स्वाद भी अच्छा आता है, इसलिए इसको पूरा कलर चेंज ना हो तब तक इसको चूल्हे के ऊपर ऐसे ही घुमाते रहना है। बाद में मीट डलेगा, लाल वाला पाउडर वाला मीट बाद में डलेगा, पहले इसको अच्छी तरह से भून लेंगे इसके अंदर तेल के अंदर। आप देख सकते हो अभी अंदर से धुआं निकल रहा है और नीचे से जल भी अच्छे से रहा है, देखो पूरा काला हो गया है पतीला। और मिर्च को भी उसको भी पानी डाल के इकट्ठा कर लेंगे, और थोड़ा घुमाना भी पड़ेगा। और अभी मिर्च डाल देते हैं, अभी प्याज अच्छी तरह से पक गया है, थोड़ा पानी भी ऐड करना पड़ेगा, पहले इसको अच्छे से घुमाना पड़ेगा। और अभी फाइनली पानी डाल दिया है, और थोड़ा गर्म होने के बाद इसको डाल देंगे राइस, और अभी तब तक इसको साइड में रोटी बना लेते हैं। और पहले रोटी बनाएंगे, उसको सब इकट्ठा होके पीसेंगे, और फिर रोटी का पूरा चूरमा बना देंगे। और चूरमा प्रसाद के लिए उपयोग में लेंगे, तो उसके लिए तेल को गरम करेंगे। और ये देखो दोस्तों, तो तेल गरम हो गया है, अभी उसके अंदर ऐड कर दिया है गुड़ गुड़, और पहले इसको फुल गरम करना है। अभी फाइनली उतार लिया हमने, और इसके अंदर ऐड कर देंगे चूरमा, रोटी का गेहूं की रोटी का चूरमा बनाया है वो, हमारे इधर इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, 25-30 रोटी का चूरमा बनाया था। ये दोस्तों बहुत गर्म रहता है, इसलिए थोड़ा सेफ्टी से काम करना पड़ता है, गुड़ बहुत गर्म रहता है, गुड़ तेल सब इसमें ऐड करके मिक्स कर देंगे, बाद में इसके लड्डू बन जाएंगे। हाथ तो मुश्किल से अंदर जा रहा है क्योंकि गर्म ज़्यादा है, हाथ जल जा रहा है। अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, सारा ऐड कर दिया है, ज़्यादा टाइम रह जाएगा तो फिर गुड़ है इसलिए वो जम जाएगा, तो फिर मिक्स नहीं हो पाएगा अच्छे से, पूरा ऐड कर देते हैं। ये हमारे बच्चे लोग हैं, इसका नाम विवेक है, ये राजेश भाई है, ये हमारे फैन लड़के हैं। ये बजरंगबली ये डांस करेंगे, आप देखना पूरा, बहुत अच्छा वाला डांस करेंगे, देखना टेंगे टेंगे के ऊपर। हाँ बी किया ना डांस, बी किया अच्छे वाला,
फाइनली सबको बिठा दिया खाना खाने के लिए। तो दोस्तों आप भी आ जाओ हनुमान जी का प्रसाद लेने के लिए, और वीडियो को एंड करते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।